खास होने वाला है, क्योंकि यदि आपने ये थिरो किसी अपोनेंट को लगा दिया तो आपका अपोनेंट एक ही थिरो में चारों खाने छेद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज के हिप थिरो के बारे में। आज का जो थिरो है हमारी पिछली बताई गई थिरो से थोड़ा मिलता जुलता है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप थिरो को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए जानते हैं आज की थिरो के बारे में। आपका अपोनेंट इस पोजीशन में खड़ा है, आपको क्या करना है, अपने अपोनेंट को इस तरह से अपनी तरफ खींचना है और अपना राइट लेग उसके स्क्वायर के आगे लेकर आना है और अपना हाथ उसकी कमर पर इस तरह से लाना है। उसके बाद अपना लेफ्ट लेग इस तरह से पीछे की तरफ लाना है, आपके पैर की पोजिशन इस तरह से होगी और अपने अपोनेंट को हिप्स पर लेते हुए, ध्यान से समझिएगा, हिप्स पे लेते हुए इस किक को इस तरह से करना है। अब देखिएगा ध्यान देकर, फिर से एक बार देखते हैं। आपका अपोनेंट आता है, अपनी तरफ फेंकिए, राइट लेग यहां लेके जाइए, लेफ्ट लेग पीछे की तरफ, हिप पे लिया और थ्रो। उम्मीद है आपको थ्रो अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी एक स्टेप प्रैक्टिस है, चलिए स्टेप प्रैक्टिस को भी देख लेते हैं। हमारी पिछली थ्रो में 3 स्टेप प्रैक्टिस थी और इसमें 4 स्टेप प्रैक्टिस है, तो चलिए देखते हैं आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। आपकी पोजिशन ये होती है, देखिएगा 1 2 किक और थ्रो, फिर से वही करना है 1 2 किक और थ्रो, 1 2 किक थ्रो। आपको स्टेप प्रैक्टिस अच्छे से समझ में आ गई होगी और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आप बार बार हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।